बेगम का लजीज किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है व्यूअर्स। चलिए निशा बेगम का लजीज किचन से आप सबके लिए बनने वाला है जबरदस्त डिश। ग्रेवी टाइप का बनेगा जो सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट है। आप किसी का भी साथ इसको सर्व कर सकते हैं। तो चलिए जैसे कि सामान सजाया हुआ अब हम स्टार्टिंग से दिखा रही हैं। यहाँ पे देखिए मूंग मसूर का दाल भिंगाया हुआ था आधा घंटा, इसको हमने धो के भिंगो लिया था। तो यहाँ पे हमने 300 ग्राम दाल लिए हैं दोनों मिला के। जैसे कि मसूर दाल हमने लिए हैं 150 ग्राम और मूंग दाल हमने पीला वाला जो दाल है वो हमने लिया है 150 ग्राम। ये लेके क्या किए थे, हमने धो लिए थे और इसको आधा घंटा के लिए फुला दिए थे। अब देखिए यहाँ पे दो मीडियम साइज का हमने आलू लिया है, इसको इस टाइप का हमने चॉप काट लिया है। और यहाँ पे देखिए एक गाजर लिया है, ये गाजर भी हमने इस टाइप का बारीक स्क्वायर में काट लिया है। हमने दो छोटा साइज का टमाटर लिया है, इसको भी हमने बारीक काट लिया है, ये छोटा छोटा एकदम कुची कुची टाइप का। अब देखिए गुंडा मसाला में यहाँ पे हमने लिया हुआ है हाफ चम्मच हमने धनिया पाउडर लिए हैं, हाफ चम्मच हमने गोल मरीच पाउडर लिए हैं, हाफ चम्मच हमने जीरा पाउडर लिए हैं, हाफ चम्मच हमने हल्दी पाउडर लिए, हाफ चम्मच हमने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिए हैं, हाफ चम्मच हमने रेड चिली पाउडर लिए हैं। आप अपना स्वाद अनुसार कम बेसी कर सकते हैं, सामान का क्वांटिटी का हिसाब से सब सामान यूज कीजिएगा। यहाँ पे देखिए लहसुन अदरक का पेस्ट जो हमने लिया है, अदरक का पेस्ट हमने लिया है 2 चम्मच, लहसुन का पेस्ट हमने लिया है 3 चम्मच, नमक हमने 1.5 चम्मच लिए हैं। यहाँ से देखिए 5 पीस हरा मिर्च हमने इस टाइप का बारीक काट लिए हैं, 2 तेज पत्ता लिए हैं, कुछ धनिया पत्ता हमने इस टाइप का बारीक काट लिए हैं। यहाँ पे देखिए 2 बड़े साइज का प्याज, इसको भी हमने बारीक काट लिए हैं। यहाँ पे देखिए 6 पीस हमने अंडा लिए हैं। हम अंडा को कैसे बनाएंगे, क्या क्या पड़ेगा, कैसे कैसे बनाएंगे, बस हमारा वीडियो को फॉलो करते रहिए और बनाते रहिए। अब चलिए चूल्हा का तरफ, जैसे कि देख सकते हैं चूल्हा में हमने पहले से कढ़ाई चढ़ा दिया है, तेल हमारा गर्म होके आ गया है। अब स्टार्ट करते हैं आपका सामने में डिश। लेकिन और कुछ बताने का पहले ये बताना चाहते हैं जो हमारा वीडियो जो भी देख रहे हैं, जो नहीं देखे हैं उन तक पहुंचाइए और ज्यादा से ज्यादा हमारा चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप ही का माध्यम से हमारा वीडियो आगे बढ़ेगा और हम एक से एक वीडियो आप सबके लिए लेके आएंगे। हमारा वीडियो देखिएगा तो हमको अच्छा लगेगा जो हाँ बाकी हमारा वीडियो आप देख रहे हैं, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, आप थोड़ा सा मेहनत करके हमारा वीडियो को देखिए और आगे बढ़ाइए। और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी कर लीजिए, क्योंकि फिर से एक वीडियो हमारा जल्दी आ रहा है। तो जैसे कि देख सकते हैं तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें हम ऐड करेंगे पहले तेज पत्ता। अब इसमें ऐड कर देंगे ये बारीक कटा हुआ प्याज। अब इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब इसमें ऐड कर देंगे लहसुन का पेस्ट। अब इसमें ऐड करेंगे अदरक का पेस्ट। अब सारा गुंडा मसाला, और इसको बढ़िया से हम फ्राई करेंगे तकरीबन 1 से 1.5 मिनट। फ्लेम हमारा हाई है। तो देखिए हमने इसको 1.5 मिनट फ्राई किया है, कलर आप देख सकते हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे इस सारा सामान। इसमें बढ़िया से हम थोड़ा सा चला लेंगे इस टाइप का। अब इसमें ऐड करेंगे ये दाल। अब इसमें ऐड करेंगे 2 टीस्पून नमक, आप बाद में भी दे सकते हैं पर हम पहले 2 टीस्पून देंगे। अब इस
इसको हम बढ़िया से इसमें फ्राई करेंगे, फिर से हम 1 से 1.5 मिनट इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए 1.5 मिनट हो गया है, हम इसको फ्राई करते हैं। पानी सूख गया, देख सकते हैं आप, तेल छोड़ रहा चारों तरफ। अब क्या करेंगे, हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तकरीबन हम 1 लीटर 200 ग्राम पानी हम इसमें ऐड करेंगे। तो देखिए 1 लीटर 200 ग्राम पानी हम इसमें ऐड कर दिए हैं। अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे। पहले हम दिए हैं 2 टीस्पून, अभी हम देंगे 3 टीस्पून। अब इसको हम बढ़िया से चला लेंगे। अभी तक हम हाई फ्लेम में ही पका रहे थे, अब इसको हम क्या करेंगे, बढ़िया से चला लेंगे और इसका हम ढक्कन लगा देंगे और आंच को कर देंगे मीडियम। मीडियम आंच में हम इसको पकाएंगे 20 मिनट से 25 मिनट तक। अब देखिए यहाँ पे आ गए हैं अंडा का पास। अब क्या करेंगे, एक बॉल ले लिए हैं, ये बॉल में सारा अंडा हम तोड़ देंगे। इससे गाछ उछ में अंडा का छिलका दिया जाता है तो बहुत प्रोटीन होता है। अगर आपका पास गाछ है तो छिलका दे दीजिएगा। ये सारा अंडा तल लिए हैं, आपके लिए दूसरा चीज दिखाते हैं। तो देखिए 6 पीस का अंडा हमने तोड़ लिया है। अब इसमें हम 1.5 टीस्पून नमक देंगे, एक हम बड़े साइज का प्याज बारीक काट लिए हैं, ये प्याज भी हम इसी में ऐड कर देंगे। धनिया पत्ता हम जो चॉप काटे थे इसको भी हम कुछ 1 मुट्ठी का बराबर इसमें ऐड कर लेंगे। हरा मिर्चा सारा हम इसमें ऐड करेंगे। अब इसको हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। कि बढ़िया से मिक्स हो गया है, अब चलिए चूल्हा का तरफ। ये दूसरा साइड हम पैन बैठा दिए हैं, इसमें हम 2 टीस्पून लगभग सरसों ऑयल ऐड करेंगे। पैन हमारा गर्म हो चुका है, हम हाई फ्लेम में ही इसको बैठाए हैं, आप देख सकते हैं। अब इसको हम इस टाइप का पूरा पैन में हम तेल लगा लेंगे। तो देखिए पूरा पैन में हमारा तेल लग गया है। फ्लेम अब हम लो कर देंगे, कहीं कि ये गर्म हो चुका है और ये सारा अंडा हम इसी में दे देंगे। अब लो फ्लेम में हम इसको पकाएंगे तकरीबन 2 मिनट के लिए। तो देखिए 2 मिनट हो गया है, ऊपर का देख सकते हैं बैठ गया है। अब क्या करेंगे, हम इसको हम पलट लेंगे। आप चाहे तो इसको ऑफ करके भी 2 मिनट रख के पलट लीजिएगा। पहले हम चारों तरफ इस टाइप का छुड़ा लेंगे, ये आप देख सकते हैं। अब देखिए इसको हम पलट लेंगे, फिर हम इसको 2 मिनट इसी टाइप का छोड़ देंगे लो फ्लेम में। तो देखिए 2 मिनट हो गया है, अब हम इसको उतार लेंगे, फ्लेम ऑफ कर देंगे। हमारा एक साइड एकदम बढ़िया से फ्राई होगा और एक साइड हमारा हाफ होगा इस टाइप का। अब इसको हम क्या करेंगे, उतार लेंगे, यहाँ पे उतार लेंगे और काट लगाएंगे। आप चाहे तो छोटा छोटा एकदम पीस करके, अरे ये बाटी का एक करछुल करके जो होता है करछुल वाला में, जैसे कि 50 ग्राम पकड़ा बेटर आपका अंडा का,
वैसा भी आमलेट छोटा छोटा करके आप बना सकते हैं, पर पीस में अच्छा होता है। आप देखिए ये जब तक ठंडा हो रहा है तब तक हम इसको छोड़ रहे हैं। तो ये देखिए 20 मिनट हो गया है, अब इसका हम ढक्कन खोल लेंगे। हमने बीच में एक बार चला लिया था इसको। अब देखिए फ्लेम हम हाई कर देंगे। अब देखिए दाल भी हमारा गल चुका है, सब्जी भी गल चुका है, इस टाइप का इसको हम चला लेंगे। अब देखिए 1.5 चम्मच नमक लिए थे, जिसमें कि 1.5 टीस्पून हमने अंडा में दिया, बाकी नमक हमारा बचा हुआ, ये सारा नमक हम इसमें अब ऐड कर देंगे। अब इसको ऐड करके हाई फ्लेम में हम पकाएंगे 2 मिनट। इसका पहले इस टाइप का थोड़ा सा हम चला लेंगे, और नहीं तो आप दाल घुटनी में थोड़ा सा फूट लीजिएगा, वो भी हम दिखा देंगे। अब चलिए अंडा का तरफ। अब देखिए अंडा को हम इस टाइप का काट लगा लेंगे, थोड़ा मोटा मोटा और बड़ा बड़ा चौड़ा चौड़ा टाइप में कर लेंगे। हम 4 भाग में इसको हम काट करेंगे। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, इस टाइप का पकड़ के हम इस टाइप का, आप चाहे तो छोटा छोटा कर सकते हैं, 3 पीस होगा। जैसे कि हमने ये साइड से, ये साइड में हमने 4 पीस काट लगाया, 1, 2, 3, 3 साइड का हमने 3 पीस काट लगाया है। यहाँ पे भी हम 2 पीस हम काट लगाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए 1 हम लगा लिए हैं, आप चाहे तो इससे भी छोटा आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे 1 हम लगा लेंगे, हो गया। आप देखिए इस टाइप का हम इसको निकाल लेंगे। देखिए गेज इस टाइप का आने से बहुत अच्छा बनता है, इससे पतला अगर बनाइएगा तो ठीक नहीं बनेगा। तो देखिए सारा चीज़ अलग कर लेंगे। अब चलिए 2 मिनट हो ही गया करते करते हमारा, अब कढ़ाई का तरफ चलिए। अब देखिए 2 मिनट हो गया है, ढक्कन हम निकाल लेंगे। ये आप देख सकते हैं हाई फ्लेम में है, दाल हमारा थोड़ा सा दरदरापन रहेगा इसी टाइप का। आप चाहे तो इसको दाल घोटनी से भी थोड़ा सा घोट लीजिएगा इस टाइप का, जैसे दाल में हम लोग लगाते हैं ना दाल घुटनी। देखिए थोड़ा सा हमको ज्यादा नहीं करना है, थोड़ा सा बस, ये देखिए इस टाइप का। अब इसको हम थोड़ा सा चला लेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे धनिया पत्ता। इस सारा धनिया पत्ता हम इसमें ऐड कर देंगे। अब जितना हम अंडा दिखाए थे, ये अंडा को हम इसी में ऐड कर देंगे। देखिए ये बन गया है अंडा ऑमलेट कड़ी। अब इसको हम थोड़ा सा चला लेंगे इस टाइप का, ये आप देख सक रही हैं। अभी इसमें जो देख रही हैं आप पानी इस टाइप का ही होगा, पर ये जो हम अभी अंडा फ्राई दिए हैं ऑमलेट, ये अभी पानी टानेगा, पानी को सोखेगा अपना तरफ अंडा। अब इसको हम क्या करेंगे, ढक्कन लगा देंगे और इसको हम 5 से 6 सेकंड के लिए इसी टाइप का छोड़ देंगे। तो देखिए 5 से 6 सेकंड हो गया। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगा, बस थोड़ा सा इसका उबाल आ जाए तब तक हमको हाई फ्लेम में रखना है और बंद कर देना है। तो हमारा हो गया है, देख सकते हैं आप कैसे उबाल आएगा, हम दिखा दे रहे हैं ढक्कन खोल के। ये देखिए इस टाइप का, तो इस टाइप का जब उबाल आएगा हम थोड़ा सा चला लेंगे, और चला के इसको फिर से हम ढक्कन लगा के बंद कर देंगे फ्लेम, और इसी टाइप का छोड़ देंगे। फिर हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए अंडा ऑमलेट और दाल देखिए हमारा कड़ी बन गया। अंडा डाल दे के कड़ी जो हम बताए थे आपको, सेम वही चीज़ बनाए हैं। और देख रही हैं देखने में जितना सुंदर लग रहा है, खाने में भी इससे कहीं ज़्यादा टेस्टी। देख रही हैं ना, देखिए पीस देखिए क्या है क्या नहीं है, थोड़ा सा हम टेस्ट करके बता रही हूँ। क्या बताएं, बहुत ज़बरदस्त होता है, इतना टेस्टी हुआ क्या बताएं, खाते जाएं। तो आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर करके जरूर बताइएगा।
अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते।